अपने नेता को टिकट मिलने पर मना रहे थे जश्न। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता की अचानक मौत। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश के सीहोर में भाजपा नेता शमा पठान की अचानक मौत हो गई। अल्पसंख्यक मोर्चा के नगर मंडल अध्यक्ष पठान सोमवार शाम सीहोर विधानसभा सीट से सुरेश राय के भाजपा प्रत्याशी घोषित होने पर जश्न मना रहे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ पटाखे फोड़े। इसके बाद शमा पठान आतिशबाजी की सामग्री लेने निकले ही थे कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और मौत हो गई। अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता की मौत से खुशी का वातावरण शोक में तब्दील हो गया। दरअसल सोमवार शाम को घोषित भारतीय जनता पार्टी की चौथी लिस्ट में सीहोर से विधायक सुदेश राय को प्रत्याशी बनाया गया। इसके बाद विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। इसमें बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नगर मंडल अध्यक्ष शमा पठान भी शामिल हो गए। शमा पठान ने कस्बा क्षेत्र में जमकर आतिशबाजी की, कार्यकर्ताओं के साथ बम पटाखे फोड़े। इसी दौरान पटाखे खत्म होने पर नजदीकी पिपलिया मीरा में आतिशबाजी सामग्री लेने के लिए निकले और तबीयत बिगड़ने पर अचानक रास्ते में मौत हो गई। सीहोर जिले में बीजेपी ने सीहोर सीट से विधायक सुदेश राय, इच्छावर से विधायक करण सिंह वर्मा और बुधनी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जमकर उत्साह देखा गया, लेकिन अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता की मौत से फिलहाल पार्टी कार्यालय में मायूसी पसर गई है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश और चार अन्य राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके अनुसार मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा के लिए एक ही चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। इसके साथ ही सत्तारूढ़ भाजपा अब तक 136 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। इससे पहले भाजपा ने 79 उम्मीदवारों की घोषणा की थी, जिसमें 39 उम्मीदवारों की दो सूची और एक उम्मीदवार की तीसरी सूची शामिल है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।